भी आपने तो जुबान सिखाई नहीं ना, जुबान भी माँ सिखाती है, चलना भी माँ सिखाती है, बिठाना भी माँ सिखाती है, तहारत भी माँ करवाती है, कपड़े भी माँ पहनवाती है, कभी आपने किया? उनको कमजोर हो सी तुम, जिस रात रहन जिथे मर्जी हो ही कर दो, लेकिन करता कौन है? माँ करती है। और जब बड़ा हो तो फिर कहते हैं मेरा बेटा है, और जब इसके नापी बदलनी थी तो याद नहीं मेरा बेटा है। ये कौन करता है? ये माँ करती है। इसलिए फरमाया ए माँ, ए माँ, ये दुनिया की सारी इज्जतें तेरे कदमों पर निसार करते हैं कि तूने इंसानियत को वो दर्स दिया कि बड़ा हो तो रसूली शक्ल नजर आए। ए माँ, तुझ पर सारे जहान की लताफतें, इज्जतें, आराम, वजाहतें, इम्तिसात और खुशियां मैं कुर्बान करता हूँ तेरे तकद्दस पर कि तूने बच्चे को कभी दामन में रखा, कभी सीने से लगाया, कभी कंधे पे रखा, कभी बिस्तर पे रखा, और उसे एक लम्हा अपनी नजर से पोशीदा उजड़ न होने दिया। जब उसको तरबियत दी, मुसलमान बनाया, बड़ा हुआ तो माँ ने पहले उसे कहा बेटे पढ़ो, उस्ताद से पढ़वाया कि तू कान में कह दे, बाकी जुबान से हम कहलवाएंगे, तू कान में कह दे क्योंकि जबान हम चलवाएंगे, और जो तेरी जबान, तेरी आवाज जो कान में जाएगी वो कान में नहीं रहेगी, वो उतर के रूह में जाएगी, रूह से दिल में जाएगी, और जब सलाहियत होगी तो बेसलाहियत जमाने में तू इसके कान में उतार दे, और जब सलाहियत होगी तो मैं वही दिल के अंदर जो तेरा पढ़ाया हुआ अमानत दौलत का खजाना रहेगा मैं वही उठाऊंगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस्ताद ने ये पढ़ा के उसकी रूह के अंदर अमानत रख दी है, और उसी अमानत से पर्दे हटाकर माँ ने दिल से निकालकर उसकी जबान पर ये हुरूफ लाए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ए माँ, तुझ पे कुर्बान न कर दूं सारे जहान की वजाहतें, सारे जहान की नजाकतें, कि तूने बच्चों को दामन में परवरिश देकर तूने रसूलुल्लाह के कदमों में औलाद को पहुंचाया है।